नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम बैठ गए हैं टेम्पो में। अब चल रहे हैं फफूंद, तो हमें फफूंद से ट्रेन पकड़ना है। ट्रेन पकड़ेंगे उसके बाद चलेंगे लखनऊ, लखनऊ से गोंडा, गोंडा से कॉलेज। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को शुरू से लास्ट तक दिखाएंगे वीडियो में। और अभी हम चल रहे हैं फफूंद यानी दिव्यापुर, उसका एक नाम दिव्यापुर है, फफूंद है। फफूंद का नाम है, स्टेशन का नाम जो है वो वहाँ पर फफूंद है, और जो वो है नगर वो है दिव्यापुर। तो हम चल रहे हैं अभी दिव्यापुर। तो ये देख सकते हैं ये नौगुआ गांव है, और ये अभी हम चल रहे हैं, अभी पहुँचेंगे इससे पहले कल्याणपुर, फिर रामनगर, फिर रामनगर के बाद महामाई। हम आप लोगों को एक मंदिर भी दिखाएंगे रास्ते में, जहाँ या मतलब नौ दुर्गा के नौ दिन बाद यहाँ पे मंदिर मेला लगता है, बहुत बड़ा। लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से आते हैं देखने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये दोस्त मिल गए हैं, अंकल जी हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग ये देखिए, जानकीपुर आवासीय कॉलोनी प्लाट बिका हुआ, जिसको भी प्लाट वगैरह चाहिए वो यहाँ पे आके संपर्क कर सकता है। ये अंकल जी हैं, अंकल जी बोले क्या वक्त कर रहे हो भाई, हम चल रहे हैं इनसे कुछ बातें करेंगे। तो हम अंकल जी के पास आ गए हैं। अंकल जी कह रहे हैं कि ब्लॉग बनाते हैं, हमने कहा, तो वो कह रहे हैं चैनल का नाम बताइए, मैंने उनका चैनल का नाम बताया। अब चल रहे हैं, तो अब हम आ गए हैं महामाई, पहुंचने ही वाले हैं। आप ये आप जो पेड़ देख रहे हैं रास्ते में, इस पेड़ को अगर लोग चाहे तो काट भी सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को कहना है इसको पेड़ बीच में पेड़ काटने से पता नहीं आग लग जाता है, यहाँ की परंपरा है, लेकिन हमें पता नहीं, बस जानते तो बता दिया आप लोगों को। हमारा दिव्यापुर में एंट्री हो चुका है, अब हम आ गए दिव्यापुर। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अभी हम पहुँचेंगे स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे पे आ चुके हैं। अभी आप लोगों को नदी दिखाएंगे, नदी देखने के लिए ये नदी आ गई, आप लोग देख सकते हैं। ये इधर से आई है, बिदुना से होते हुए आई है, लेक देख सकते हैं आप लोग। अब हम चल रहे हैं अभी स्टेशन पर। ये कुछ दुकानें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी आइए रात के 10 बजे तक यहाँ पे सब चालू रहता है। ये भगवान जी का मंदिर है, कोई बाबा जी है। हम आ गए स्टेशन पर, लोग देख सकते हैं। हमें दो प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो अभी ट्रेन आई नहीं है, तो अभी हम चल रहे हैं टिकट लेने। तो अभी हम चल रहे हैं टिकट लेने, तो आप लोग देख सकते हैं हम चल रहे हैं अभी, बाद में आ गए प्लेटफॉर्म दो पर। तो अभी हम टिकट के लिए आ गए हैं लेने के लिए। कुछ बंदर बैठे हैं, अंकल जी कुछ डाले थे उनको खाने के लिए, तो वही खा रहे थे। तो हम आ गए प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। तो मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है, अब चल रहे हैं अपने। अभी 11 बजे ट्रेन है, तो दोस्त के पास मैंने सोचा दोस्त के पास चले। तो ये भैया मिल गए हैं, पूछ रहे हैं वीडियो बना रहे हैं और चैनल का नाम पूछ रहे हैं। तो इनको मैंने चैनल का नाम बता दिया है, और देखेंगे कि ब्लॉग कैसा बनाते हो। भैया जी हाय बोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, उतर भी गए हैं भैया जी, बहुत अच्छे भैया जी हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई को आगे बढ़ाओ, ये बोल रहे हैं। हम चल रहे हैं अभी, मनीष कुमार एक मेरा दोस्त है, उसके रूम पे रुकेंगे, उसके बाद आएंगे वापस स्टेशन पर। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो आप लोगों को मिलवाते हैं अपने भाई से। ये है मेरा भाई, भाई नहीं यानी दोस्त ही है, भाई समान है, देख सकते हैं। कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो भाई को, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब हम चल रहे हैं अपने मनीष कुमार के दोस्त के पास। तो आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता गया है, स्टेट हाईवे से चलेंगे, पैदल है लगभग 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम फिलहाल अभी
ये फूल की दुकान है, तो आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर बना है। और हम लोग चल रहे हैं वापस, हम गए थे मनीष दोस्त के पास और आ गए वापस स्टेशन पर। आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेन आ चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।